हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ईशा, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आया है बुलेट को लेके, वो क्या है आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। शायद अभी तक ये ऐसा टाइप का वीडियो अभी तक बना नहीं है, तो मेरा ये पहला वीडियो होगा, क्योंकि जो कूलेंट है मेरा गाड़ी का वो पीछे से नहीं आगे से लीकेज कर रहा है। ये मेरे को कब पता चला, बहुत दिन से मैं गाड़ी में देख रहा था कि कूलेंट मेरा गायब होने लग रहा था। तो किस लिए गायब हो रहे मेरे को पता नहीं चल रहा है, तो दोबारा मैं क्या करता था उसमें फिर से डीएम वाटर एडिस्टिल वाटर फिलअप करके गाड़ी का ऐसे ही घुमा रहा था। लेकिन चंद दिन के बाद मेरे को ये पता चला कि गाड़ी में अंदर के तरफ डैशबोर्ड के तरफ से कुछ ड्रॉप लीकेज हो रहा है। उसको भी इग्नोर कर लिया था, लेकिन मेरे को क्लीनिंग करते समय क्या होता, मैट उठाने के बाद उसके अंदर मेरे को कूलेंट का पूरा लिक्विड मैट के नीचे दिख रहा था। तो इसके लेके मैं हैरान हो गया, तो क्या हुआ बोल के मैं क्या किया है पूरा उसको ट्रेस आउट करते आ गया। तो मेरे को इस बॉनेट के अंदर जहाँ हीटर कॉयल के लिए कूलेंट जाता है इस बॉनेट के आगे में, वहाँ से लीकेज है। वो लीकेज क्या हो रहा है, अंदर तक पहुँच रहा है, और उसी की वजह से क्या है, जब गाड़ी गर्म होती है हीटिंग क्योंकि गाड़ी रनिंग में रहने समय वो कूलेंट ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकल जा रहा है, इसलिए मेरा कूलेंट खाली हो जा रहा है। तो चलिए आज उसको मैं क्या जुगाड़ बना के दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में आपको पूरा तरह एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला आप लोग को मेरा गाड़ी के स्टैंडिंग पोजीशन में जो कूलेंट लीकेज है वो मैं इधर नोटिस किया था। देख सकते हैं ये लीकेज हमारा जो स्टेपनी रहता है आगे में, उस जगह से नीचे तरफ लीकेज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं अभी बॉनेट निकल के टायर भी हटा दिया है, तो आपको क्लियरली दिखा देता हूँ लीकेज कहाँ से हो रहा बोल के। आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये दोनों हीटर कॉयल के लिए जा रही है, एक इन है एक आउट है। जहाँ इन हो रहा है उस जगह से देख सकते हैं आप ग्रीन कलर हमारा कूलेंट वहीं से ड्रॉप नीचे गिर रहा है। ये जो प्लास्टिक का पूरा सेटअप है देखो, उसके नीचे से ऐसे लीकेज होते नीचे तक पहुंच रहा है हम लोग का कूलेंट। आप लोग उसका सारा देख सकते हैं जर कहाँ से निकल के कहाँ तक पहुंच रहा है बोल के। तो ये मेन प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाके और नीचे स्टेपनी के जगह में गिर के पूरा लीकेज एक तरफ से नीचे आ जा रहा है। तो प्रॉब्लम अभी इन दोनों पाइप्स में है। इन दोनों पाइप्स के लीकेज की वजह से हम लोग का कूलेंट गाड़ी के अंदर भी लीकेज हो रहा है। तो चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ इन दोनों पाइप्स के वजह से अंदर किस तरह हम लोग को लीकेज आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है पूरा दिखा देता हूँ। अभी मैं लेफ्ट साइड के मैट निकालने से आप लोग नीचे देख सकते हैं कूलेंट का ऑयल पूरा इधर ही आया है। ये पूरा डैशबोर्ड से ड्रॉप करके निकल रहा था, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। लोग देखेंगे तो हीटर का कॉयल का जो पाइपलाइन है उसका जो आउटसाइड प्लास्टिक है उधर से लीकेज आ रहा, देख सकते हैं, देखो ड्रॉप करके निकल रही है दोनों हीटर कॉयल से, और उसके नीचे के प्लास्टिक वाला से हम लोग को ये कूलेंट ऑयल ऐसा लीकेज करके कैबिन के अंदर पहुंच रहे हैं। गाड़ी रनिंग में रहते समय कूलेंट गर्म होके जो पास होता रहेगा उस समय वो लीकेज करके अंदर आ जा रहा है। अभी मैं एक जुगाड़ बनाने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक एसी का आउटडोर रहता है ना उसमें एक मोटा पाइप और पतला पाइप रहता है, उसमें से एक मोटा वाला एल्यूमिनियम पाइप लिया हूँ। अभी वो एसी पाइप को मैं क्या करने वाला हूँ, यू टेप बेंड करके जहाँ ये इन आउट हो रहा है उस जगह से जो नीचे हमारा फ्लेक्सिबल पाइप आया है उसमें मैं कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को हीटर का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो इन एंड आउट पाइप के लिए एक लूप पाइप बना के उसमें दोनों को मिला के कनेक्ट करने वाला हूँ। इसके वजह से हम लोग का कूलेंट अंदर कॉयल के अंदर नहीं जाएगा और हमारा पाइप अच्छा से इसमें फिट हो जाएगा और कूलेंट उसी से थ्रू होके वापस इंजन के पास चली जाएगा। इस पाइप्स के ऊपर हम लोग को एक सीलेंट का लेयर मिला है, सीलेंट का लेयर को हमको हटानी है, और साथ ही साथ उसके ऊपर एक क्लिप लगा होता है, वो क्लिप को भी हम लोग को दोनों पाइप से हटाना है, उसके बाद ही वो पाइप से जो कॉइल पाइप से उसके ऊपर से वो निकलेगा।
सो फ्रेंड्स, वो निकालने के बाद हम लोग जो यू टाइप बेंड करके रखा है एल्यूमिनियम पाइप को, उसको दोनों पाइप में लगा दिया है। अभी जहाँ से इन होगा वो इस पाइप से इन होके जहाँ आउट होना चाहिए उसी पाइप से फिर आउट होके लूप होके चले जाएगा, तो वो अंदर हीटर के पास नहीं जाएगा। आप लोग अच्छा से देख सकते हैं, इन दोनों पाइप को एक लूप बना के रख दिया है। अभी इस लूप पाइप को हम लोग अच्छा तरह कहीं पे पीछे तरह बांधना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग का ये जैसे मैं देख सकते हैं सीलेंट लगा रहा हूँ। सीलेंट हम लोग का अभी छोटा मोटा लीकेज है तो पूरा ब्लॉक कर देता है सारा। सीलेंट और क्लिप्स वो केबल के ऊपर जैसा था वैसा हम लोग क्लिप्स वापस लगा दिया है। लगा के अभी आपको पूरा सेट करके दिखाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग वो पाइप को पीछे तरफ करके उसको अच्छा से टाई डाल के बांध दे रहे हैं, क्योंकि वो फिर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको अच्छा तरह हम पूरा फिक्स कर दे रहे हैं। अगर आप लोग का गाड़ी में भी ऐसा लीकेज का प्रॉब्लम हीटर कॉइल के पास होगा तो आप लोग ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो हीटर कोई यूज़ नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही है। अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद हुआ है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ इस काम में मदद चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका आंसर देने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।